तो हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को बहुत प्यार किया और आज हमारी जो यूट्यूब फैमिली वो एक लाख को पार कर चुकी है और हमारा यूट्यूब प्ले बटन भी आ चुका है हम आने वाले वीडियोज़ में आपको उसके बारे में बताएंगे तो खैर वो तो किसी और वीडियो में लेकिन पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि आपके पास भी रियलमी ओपो वीवो वन प्लस मतलब जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन आते हैं यदि आप उसे रखते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी देखना चाहिए जहां पे आप अपने मोबाइल में लगे हुए किसी भी तरह के पिन पैटर्न पासवर्ड को आप इजली वो भी ऑफलाइन मोड के हेल्प से अनलॉक करने का आ, मेथड जो है उसे आप सीख सकते हैं जहां आपके पास कंप्यूटर हो ना हो कोई मैटर नहीं करता आपके पास इंटरनेट नहीं भी होगा तो भी आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर पाएंगे तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पे शुरू करते रहिए शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कम से कम आप आ, आ, इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि अपने स्मार्टफोन में लगे हुए किसी भी टाइप के पिन पैटर्न पासवर्ड को कैसे रिसेट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे सामने में दो स्मार्टफोन हैं एक है रियल का और एक है एम का खैर मैं एक ही स्मार्टफोन में अभी आपको वो मेथड दिखाऊंगा और उस मेथड से आप ये समझ जाना कि ये ऑल एंड्रॉयड स्मार्टफोन में वर्क करेगा तो मैं रियलमी को उठाता हूं क्योंकि आज के टाइम में रियलमी जो है आ, बुम पे है इसके मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा शेयर हो चुका है इंडियन मार्केट में और मैक्सिमम लोगों के पास आपको यही स्मार्टफोन देखने को मिलता है तो खैर हम ये मान के चलेंगे फिलहाल तो ये मेरा स्मार्टफोन है और ये इसके पासवर्ड को मैं जानता हूँ ये मान के चलते कि ये जो इसका पासवर्ड है वो मुझे नहीं याद है तो उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्मार्टफोन का लॉकिंग इंटरफेस है और यहाँ हमें करना क्या है इसे जब आप ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे पिन पैटर्न पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिया जाता है लेकिन लेकिन आपको यदि पासवर्ड याद नहीं है तो आप एक गलती आ, आपको करना नहीं है वो है ये गलती कि एक अंदाज़ा में आप पासवर्ड को ट्राई करते हैं और जब नहीं खुलता तो आप फिर से ट्राई करते हैं और इस गलती में आपका स्मार्टफोन का जो डेटा है वो आपका जा सकता है क्योंकि आपका स्मार्टफोन समझ जाए कि आप इसके मालिक नहीं है इसलिए आप इसमें बार बार पासवर्ड को ट्राई कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो स्मार्टफोन है वो आपके मेन मेन प्रोसेसर को एक मैसेज भेजेगा कि इस हैंडसेट का डेटा जो है वो आ, मतलब खतरे में है तो उस केस में आपका स्मार्टफोन जो है वो डेड हो सकता है तो आपको ऐसी गलती मत कीजिएगा तो आपको दोस्तों करना क्या है जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर पाए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप सीख सकते हैं आपको लास्ट में एक ऑप्शन देखिएगा नीचे की तरफ जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल और दोस्तों आपको इसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है जैसे दोस्तों आप उसे सिलेक्ट करेंगे आपके हैंडसेट में इमरजेंसी कॉल्स ओनली का पेज अपियर हो जाएगा और आपको यहीं पे मोबाइल अनलॉकिंग का पहला स्टेप लेना है करना क्या दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा आपके स्मार्टफोन को हमें यहाँ पे ऑफलाइन मोड में डालना होगा जी हाँ आपके बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उसे बंद करने के लिए हमें यहाँ पे एक कोड डालना है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इजिली और इसे आपको सेम इसी तरह से अपने स्मार्टफोन में आपको इंटर करना है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अब दोस्तों यहाँ पे इस नंबर पे आपको कंटिन्यूअस सेवन टाइम्स कॉल करना है जैसे आप कॉल करेंगे आपको ओके okay का मैसेज मिलेगा ओके okay पे क्लिक कर देना है सेम प्रोसेस आपको सेवन टाइम करना है थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अभी दोस्तों हमारा जो हैंडसेट uh, है वो ऑफलाइन मोड में चला गया है अब हम यहाँ पे अनलॉकिंग uh, मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि अब अब इसे अनलॉक करने के लिए हम अगला प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रोसेस है वो है यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग मोड का इस्तेमाल करना जो कि उसके लिए कोड डालना होगा और वो कोड स्टार है हैज एट डबल नाइन और हैज और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे हैंडसेट में इंजीनियर मोड नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो आ चुका है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे लेकिन यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है यदि नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता दूं इस पेज पे आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि ये एक आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है जहां से आप अपने स्मार्टफोन के सेटिंग को पूरा बदल सकते हैं तो यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको उतना ही करना है जितना कि हम आपको बताएंगे तो आपको जो जो अगला स्टेप दोस्तों लेना है वो है नंबर फोर पे दिए गए मैनुअल टेस्ट को एक बार सेलेक्ट करना इसे हम ओपन करेंगे और उसके बाद आपको फिर से एक नया पेज आएगा लेकिन इस पेज पर पे आपको कुछ भी नहीं करना है आपको इस तरह से सारे ऑप्शनों को पास आउट करना है और सबसे लास्ट का जो अदर का पेज है आपको यहां पर चले आना है यहां पर आपको पांच ऑप्शन दिख रहे हैं लेकिन आपको ध्यान देना है नंबर फोर के ऑप्शन पे जिसका नाम है डेटाबेस वर्जन जी हाँ याद रखिए हो सकता है आपके स्मार्टफोन में यहाँ पे मेन बोर्ड वर्जन दिखा रहा होगा लेकिन आपको डॉट नहीं करना नाम से आपको यहाँ पे ध्यान देना है इसके वर्जन पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे अपने स्मार्टफोन में क्रॉस चेक करें यदि आपका भी स्मार्टफोन का वर्जन सेम है तो समझिए कि आपका स्मार्टफोन अपडेटेड है और आपको ये मैथड से आपका अनलॉक हो जाएगा लेकिन इन केस यदि आपका ये वर्जन नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो वर्जन है वो आउटडेटेड है और आपको उसे अपडेट करने की ज़रूरत है तो दोस्तों यदि आपका सेम नहीं है तो उसके इसमें दिक्कत यहाँ ये है कि मार्केट में कम से कम अभी 2000 टाइप के वर्ज़न आते हैं और सारे वर्जनों का जो मेथड है अलग अलग सबका होता है अपडेट करने का तो मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा स्मार्टफोन में जो वर्ज़न है वो है तो इसलिए मैं किसी एक का बता नहीं सकता वरना ये बाकियों के साथ नाइंसाफी होगी तो इससे बेटर है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है और उसका वर्जन क्या दिखा रहा है ताकि हम आ, या फिर हमारी टीम आपको विद इन फाइव मिनट एक रिप्लाई देगी जिसमें आपको इसके वर्जन को चेंज करने का कोड आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप आ, एक मिनट के अंदर इसे आ, चेंज कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं फिलहाल ये मान के चलते हैं कि आपका भी सेम यही है तो आपको अगला स्टेप क्या लेना है बिना देर किए आपको इसी डेटाबेस वर्जन को इलेवन टाइम्स क्लिक करना तो चलिए इसे यहाँ पर क्लिक करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन अभी दोस्तों आपका जो है है मास्टर अनलॉकिंग मोड एक्टिवेट हो चुका है, और आपको बस यहाँ पे अब लास्ट का स्टेप लेना और आपका स्मार्टफोन का पिन पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट आपका सारा अनलॉक हो जाएगा <coughs> तो दोस्तों जो अगला स्टेप है वो है नंबर थ्री पे दिए गए की स्टेटस को क्लिक करना तो, तो चलिए इसे भी क्लिक करते हैं और फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे सामने जितने भी कीज हैं वो सारे पास का मैसेज हमें देखने को मिल रहा है मतलब आपके पिन पैटर्न पासवर्ड फिंगरप्रिंट फेस लॉक और गूगल का भी जो आपका पासवर्ड है वो भी यहाँ पे आपका अनलॉक हो चुका है अब इसे आपको सिर्फ एक ही काम रह गया क्रॉस चेक करना कि क्या आपका स्मार्टफोन अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ तो इसे हम क्रॉस चेक करने के लिए बैक करेंगे चलेंगे इसके लॉकिंग डिस्प्ले की तरफ और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो स्मार्टफोन है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है यदि आपका नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट करें और बताएं कि आपके पास कौन सा एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और आप किस महीने में उसे अनलॉक करने का को, कोशिश कर रहे हैं साथ में आपका वर्जन क्या है